आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। आजमगढ़ में 13 तो रामपुर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों जगहों पे करीब 35 लाख वोटर इन प्रत्याशियों के लिए वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि 3,809 बूथ बनाए गए हैं। आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर में आजम खां के इस्तीफे के बाद यह दोनों सीटें खाली हुई थी। आपको बता दें कि आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणी है। यहां सपा ने धर्मेंद्र यादव और भाजपा ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। तो वहीं रामपुर की लड़ाई में सपा और भाजपा के बीच है। सपा ने आजम खां के करीबी असीम राजा पर दाव लगाया है। तो वहीं भाजपा से घनश्याम लोधी मैदान में हैं, जो पहले कभी आजम खां के करीबी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी रामपुर में चुनाव नहीं लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।